नमस्कार दोस्तों, आज है 14 अप्रैल 2021। आज मैं आपको एक गेम दिखाऊंगा जो मैंने ली चेस पे खेला है आज, और इसमें हम दोनों प्लेयर्स की हर मूव के पीछे क्या थिंक रही होगी ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरा अपोनेंट ने किया d4, मैंने किया Nf6, फिर मेरा अपोनेंट ने किया c4, मैंने किया e6। उसके बाद मेरा अपोनेंट ने d5 करके मुझे गैम्बिट दिया। जब भी गैम्बिट दे कोई तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये मेरे कोच ने मुझे बता रखा है, तो इसलिए मैंने इस गैम्बिट को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे पोन एक्सचेंज आते हैं। अब आने वाली दो चार मूव्स सिर्फ इस d5 पोन के रिस्पेक्ट में चलेंगी। मेरा टारगेट होगा कि मैं इस d5 पोन को काटूं, और मेरे अपोनेंट का जो टारगेट होगा वो इस d5 पोन को बचाने का होगा। तो सबसे पहले मैंने चेक दिया। मैंने चेक इसलिए दिया कि अगर चेक बचाने के लिए d2 स्क्वायर पे मेरे अपोनेंट ने नाइट या अपना बिशप रखा, तो मैं इसके d5 पोन को अपने नाइट से काट दूंगा। लेकिन मेरे अपोनेंट ने यहाँ पर इस पोन पर प्रोटेक्शन क्वीन की बनाए रखने के लिए d2 स्क्वायर पर नाइट या बिशप नहीं रखा, बल्कि c3 स्क्वायर पे अपने नाइट को रखा, जिससे चेक तो रुक गया लेकिन उसके d5 पोन पर सपोर्ट अभी भी बरकरार है क्वीन से, तो मैं इसको अभी भी नहीं काट सकता। तो फिर यहाँ पर मैंने पहले कैसलिंग की, फिर मेरे अपोनेंट ने मेरे नाइट को पिन कर दिया Bg5 करके। तो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर खाली किया, d6 किया मैंने पहले, ताकि d7 का स्क्वायर खाली हो जाए। यहाँ पर मैं नाइट को लेके आऊँगा, नाइट को लेके आऊँगा। पहले मैं अपने d7 स्क्वायर पे, फिर यहाँ से इस नाइट को मैं लेके जाऊँगा b6 पर, और फिर d5 के पोन को काटूँगा। ये टारगेट है मेरा यहाँ पर, ये मेरी थॉट है इस मूव को चलने के पीछे। तो यहाँ पर वो नाइट निकाल लेता है पीस डेवलप करने के लिए। तो मैंने वही किया जो मैंने सोच रखा था, कि मुझे अपने नाइट को पहले d7 पे ले जाना है, और फिर मैं इसे b6 पर लेके जाऊंगा, और फिर मैं d5 के पोन को टारगेट करूंगा इसी नाइट से। तो यहाँ पर उसने बिशप का डायगोनल ओपन करने के लिए एक पोन पुश कर दिया है, ताकि उसका लाइट स्क्वायर बिशप खुल जाए, और फिर मैंने नाइट को बैठा दिया b6 पर, ताकि मैं d5 के पोन को काट सकूं। तो इसने इसकी डिफेंस कैसे दी, पोन पुश करके, यानी उसने पोन पुश कर दिया है e4 पर, और अगर मान लीजिए एज्यूम करते हैं कि अगर वो इस पोन को ऐसे प्रोटेक्शन देता तो ये नाइट से कट जाता, तो इस पोन को प्रोटेक्शन देनी तो पॉसिबल ही नहीं थी बिशप से। और यहाँ पर बेस्ट मूव कंप्यूटर बता रहा है कि इसे नाइट काट देना चाहिए था बिशप से, लेकिन इसने क्या करा कि अपने d5 पोन को प्रोटेक्शन दी पोन पुश करके। तो यहाँ पर पहले मैंने रुक से इस पोन को पिन किया था, उसके बाद इसने इसको डिफेंस दिया एक तरह से। मैंने रुक से जब इसे पिन किया था तो मैं इसे काट भी सकता था रुक से और चेक देता, तो इसलिए इसने इस पोन को बचाने के लिए बिशप लगा दिया। तो यहाँ पर फिर मैंने एक टैक्टिक्स लगाई, मैंने क्वीन सेक्रीफाइस करने का फैसला किया। तो यहाँ पे क्वीन नहीं काटी जा सकती, अगर मान लीजिए उसने यहाँ पे क्वीन काटने की गलती की, तो फिर मैं पहले नाइट काट के चेक देता, डिस्कवर चेक, तो चेक से बचने के लिए किंग को जाना पड़ता d2 पर, फिर मैं इसको क्वीन को नाइट से काट देता, और चेक मिल रहा है उसे फिर से मेरे बिशप से डिस्कवर चेक, तो वो इसे बचाने के लिए इसे काटता नाइट को एक। अब इसके पास फिर मैं ये बिशप काट देता, इसके पास अब 4 पीसीज हैं और मेरे पास 5 पीसीज हैं, तो यहाँ पर मैं पीस अप हो गया हूँ। ना कि अगर मान लीजिए ये
क्वीन ना काटता बल्कि नाइट काटता तो पहले मैं चेक देता, फिर चेक बच के जाता, तो इस बिशप को मैं यहाँ पे लगा देता और फिर ये गेम कुछ इस प्रकार से कंटिन्यू होता। तो यहाँ पर भी ब्लैक की पोजीशन अच्छी है। ओके, बाय बाय।